बता दें कि देहरादून से इस वक्त की अगली बड़ी खबर। प्रदेश में महाविद्यालय में छात्र संघ मतदान हुए शुरू। बता दें कि सुबह 8 बजे से प्रदेश के कॉलेजों में मतदान चल रहे हैं। लगातार छात्रों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। NSUI और ABBP के बीच देखी जा रही है सीधी टक्कर। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था जगह जगह की गई है। बता दें कि बड़ी खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र संघ मतदान अब शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से ही कॉलेजों में मतदान चल रहा है, तो वही छात्रों में भी भारी उत्साह इस चुनाव को लेकर दिख रहा है। तो वही बता दें कि सीधी टक्कर NSUI और ABBP के बीच देखी जा सकती है। तो वही शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष बडोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष, काफी लंबे विवाद के बाद आखिरकार छात्र संघ चुनाव का पल आ ही गया है। सुबह से ही मतदान चल रहा है। बात करें सुरक्षा की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से? आयुषी, आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से दंगा फसाद DAV कॉलेज में सामने आया था, खून खराबा हुआ था, जिसके बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। SSP ने पूरी फोर्स जिले भर की आज DAV PG कॉलेज के परिसर में तैनात करा दी। इसके अलावा भी अन्य कॉलेज में पुलिस की छोटी मोटी टुकड़ियां हैं, और DAV में खास तौर से बात करूं तो PST की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। जो अतिरिक्त फोर्स होती है वो भी तैनात है, और खुद SP सिटी श्वेता चौबे पूरे कॉलेज कैंपस में दिन भर आज चक्कर लगाती रहेंगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। और किसी तरह की कोई गलत गतिविधि ना हो या कोई भड़काव काम ना हो, और किसी तरह से जो मतदाता है उनको प्रलोभन देकर वोट अपने अपने पक्ष में वोट डलाने की का जो काम है, इस तरह की कोई गतिविधि ना हो, इस पर पूरा ध्यान रखेंगी। जी आशीष, बात करें छात्रों की, तो कितना उत्साह छात्रों में देखने को मिल रहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, सूबे का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय देहरादून का DAV PG कॉलेज है, और इस टाइम वर्तमान में जहां रमेश पोखरियाल निशंक जैसे HRD मिनिस्टर तक DAV PG कॉलेज से पढ़ के निकले, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो वर्तमान छात्र नेता हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य के दूरगामी जो दृश्य है वो देखने लगते हैं अपने भविष्य को लेकर। तो ऐसे में DAV PG कॉलेज का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है युवा छात्रों के लिए, जो छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, ये जो सहयोगी हैं उनके, और हर कोई चाहता है कि एक एक वोट को अपने पक्ष में डलाया जाए और भारी मतों से कहीं ना कहीं जीत हासिल की जा सके। जी आशीष, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि सुबह 8 बजे से प्रदेश के कॉलेजों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। छात्रों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह वहां नजर आ रहा है। NSUI और ABBP के बीच सीधी टक्कर छात्र संघ चुनाव की देखी जा सकती है।